अब ये बात औपचारिक तौर पर कही जा सकती है कि चुनाव आयोग इस वक्त रामायण में एक किरदार का रोल निभा रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण हो गया है, उसकी कुंभकर्णी नींद से उसे जगाना नामुमकिन है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता शोभा करांजे, उन्होंने एक निहायत ही वाहियात और विवादास्पद बयान दिया है, और यह सिर्फ विवादास्पद नहीं है, भड़काऊ बयान। याद कीजिए, कल ही हेमंत बिस्व शर्मा ने एक विवादास्पद बयान दिया था जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। मगर भाजपा की नेता शोभा कहती हैं कि तमिलनाडु से लोग आते हैं और बेंगलुरु में बॉम्ब धमाके करके जाते हैं। दोस्तों, अब तक एनआईए की कोई रिपोर्ट सामने उभर कर नहीं आई है, और मुद्दा वो नहीं है। बेंगलुरु में जो बम धमाका हुआ था, अगर कल को यह भी पता चल जाए कि बम धमाके करने वाला तमिलनाडु से था, तो इसके लिए आप पूरी तमिलनाडु को गाली नहीं दे सकते ना। मसलन हाल ही में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के 3 कार्यकर्ता पकड़े गए थे आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा का दुष्कर्म करने के लिए। तो क्या उसके चलते हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी भाजपा जो है वो दुष्कर्मी है? ऐसा नहीं कह सकते ना। तो कहने का अर्थ यह है कि शोभा ने एक निहायत ही विवादास्पद बयान दिया जिसमें उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट के लिए पूरी तमिलनाडु की जनता को दोषी ठहरा दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तमिलनाडु से आते हैं, उधर ट्रेनिंग लेता है, बॉम्ब लगाता है, कैफे में बॉम्ब लगाया, दूसरा वाला। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने और डीएमके ने इस पर कड़ी आपत्ति जतलाई है। आपके स्क्रीन पर यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनका कहना है, स्ट्रॉन्गली कंडेम यूनियन बीजेपी मिनिस्टर शोभाज रेकलेस स्टेटमेंट, वन मस्ट आइदर बी एन एनआईए ऑफिशियल और क्लोजली लिंक्ड टू द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट टू मेक सच क्लेम्स, क्लियरली शी लैक्स द अथॉरिटी फॉर सच असर्शंस, तमिलियंस एंड कन्नडिगास अलाइक विल रिजेक्ट दिस डिविजिव रेटरिक ऑफ द बीजेपी। I also urge for an appropriate legal action against Shobha for causing threat to peace, harmony and national unity. From the Prime Minister to Kader, everyone in the BJP should stop engaging in this dirty, divisive politics at once. Election Commission must take note of this hate speech and initiate stringent action immediately. नाराज है MK Stalin, कह रहे हैं कि ऐसी जानकारी या तो एक ऐसे व्यक्ति को पता चल सकती है जो एनआईए में हो, या फिर धमाकों से बहुत करीबी तौर से जुड़ा हुआ हो। चाहे शोभा हो या प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई अन्य नेता, ये लोग लगातार भड़काऊ और विभाजनकारी बयान देते हैं। आगे एमके स्टालिन ये भी कहते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक की जनता इस तरह की विभाजनकारी बांटने वाली सोच को रिजेक्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप तमिलनाडु में एक रैली करते हैं कल, और आप यह दावा करते हैं कि आपने तमिल, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, उसको दुनिया के मानचित्र पर रख दिया, मगर आपके नेता इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री कह क्या रहे थे, 15 सेकंड का उनका बयान है, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं ये मिशन लेकर के निकला, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये मेरे देश है जिसने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का गर्व प्राप्त है, वो मेरी तमिल भाषा है। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने थोड़ा बहुत कोशिश तो करता रहता हूं, लेकिन सीख नहीं पाता। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य से आपको सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है, तो क्या आप इस तरह के बयान देंगे जो शोभा ने दिए? क्या शोभा जी को, जो कि एक मंत्री हैं, ऐसा बयान देना शोभा देती है? शोभा ने माफी मांगी, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर क्या वजह है कि तमिलनाडु के बारे में इस तरह का बकवास बयान, कुछ दिनों पहले केरल के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा इस कदर कि इन्होंने एक झूठी फिल्म तक बनवा डाली? याद कीजिए, प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे थे और यह कहा था कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं, जबकि उस पुल पर जहां प्रधानमंत्री फंस गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो नारे लगा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपनी जान को खतरा था?
आप पंजाब जाकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप तमिलनाडु की जनता के बारे में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, केरल के बारे में आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आपकी सोच क्या है भाई? और चुनाव आयोग सो रहा है। कल ही हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बयान दिया कि कांग्रेस को वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कांग्रेस से चुनकर आएगा वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा और मैं खुद उसे बीजेपी में शामिल करूंगा। आप सब जानते हैं दोस्तों, जब एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो या तो एजेंसीज के डर के चलते या पैसे के चलते या कोई अन्य लालच या पद का लालच। खुलेआम हेमंत बिस्व शर्मा इस तरह का बयान दे रहे थे। चुनाव आयोग ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। राजीव कुमार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि कई सवालों का जवाब उनसे देते नहीं बना। जब उनसे सवाल यह पूछा गया कि राजीव जी ये बताइए कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में फर्क क्यों, बताइए। कल ही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपके मोबाइल फोन्स पर व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है विकसित भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। यही वो संदेश है जो आपको आ रहा होगा। आया है ना ये संदेश आपको सबको? ये भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और मैं आपको एक और शॉकिंग उल्लंघन दिखाता हूं। इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना है दोस्तों, न्यूज 18 का एक कार्यक्रम हो रहा है मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित हैं, इतनी बड़ी फोटो लगाई गई है। मगर यहां नीचे देखिए, यहां नीचे आप देखेंगे सब भाजपा के नेता और मंत्री, इनमें से कोई कांग्रेस का नहीं है, एक भी विपक्ष का नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अमित शाह है, नितिन गडकरी है, एस जयशंकर है, स्मृति ईरानी है, अश्विनी वैष्णव है, अनुराग ठाकुर है, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जो गैर राजनीतिक हैं, सरकारी चाटुकार भी हैं प्रसून जोशी जैसे, इसके अलावा कई एक्टर्स भी हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर मजाल है इसमें कहीं पर भी कांग्रेस का कोई नेता हो। चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है ना, मगर पहले पन्ने पर इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने यह विज्ञापन दिया है। क्या किसी को शर्म आती है किस तरह से यह चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है? इनके मुख्यमंत्री खुलेआम खरीद फरोख्त की बात करते हैं, इनके नेता भड़काऊ बयान देते हैं, दो राज्यों के बीच में तनाव पैदा करते हैं। आप बताइए, शोभा का जो बयान है वो बहुत शॉकिंग है। वो ये कह रही है कि तमिलनाडु के लोग बेंगलुरु में आकर बम धमाके करते हैं। इसके मायनों को समझते हैं आप? आप चुनावी मौसम में भड़काऊ बयान दे रहे हैं दो राज्यों के बीच, और हम ये ना भूलें कि दक्षिण में नदी जल विवाद को लेकर पहले से ही कई दंगे हो चुके हैं, जबरदस्त हिंसा हो गई है। अब आप सांप्रदायिक हिंसा शुरू करना चाहते हैं, राज्य स्तरीय हिंसा करना चाहते हैं। ये भाजपा बांटने के न जाने क्या क्या तरीके ढूंढ लेती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और अब राज्य के आधार पर भी। अब वो टी राजा सिंह निकल जाएंगे, भाजपा के जो विधायक हैं पहले ही महाराष्ट्र में अपना काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र की गली गली घूमकर मुसलमानों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां बककर माहौल को भड़का चुके हैं। कोई काम नहीं किया था, एकनाथ शिंदे ने कोई एक्शन नहीं लिया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कि यह व्यक्ति इस तरह की भड़काऊ बातें क्यों कर रहा है। तब जाके थोड़ी शर्म आई एकनाथ शिंदे सरकार को, भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार को। आप लोग करना क्या चाहते हैं? मैं मानता हूं कि आपका लक्ष्य जीतना है, मगर क्या आपकी जीत देश से बड़ी है? अरे आप जीत जाएंगे भाई, आप वैसे ही विपक्ष को रौंद चुके हैं। पूरा जो प्रचार तंत्र है, पूरा जो बैलेंस है, वो विपक्ष के खिलाफ बिगड़ा हुआ है, और आप फिर भी इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। बहरहाल, शोभा करांजे जो अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखती हैं, जी हां ऐसा है मोदी का परिवार, वो माफी मांग रही हैं अपने इस बयान के लिए। अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद करूंगा। To my Tamil brothers and sisters, I wish to clarify that my words were meant to shine light, not cast shadows. Yet I see that my remarks brought pain to some, and for that I apologize. My remarks were solely directed towards those trained in the Krishnagiri forest linked to the Rameshwaram cafe blast.
to anyone from Tamil Nadu affected from the depths of my heart. I ask your forgiveness. Furthermore, I retract my previous comment. वो कह रही हैं कि मेरे बयान का मकसद प्रकाश डालना था, परछाइयां पैदा करना नहीं था. वो आगे कहती हैं, अगर इससे किसी को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, तो मैं माफी मांगती हूं और अपना बयान जो है मैं वापस लेती हूं, क्योंकि मेरा जो ये बयान था वो दरअसल इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि किस तरह से तमिलनाडु के कृष्णागिरी जंगल में लोगों को ट्रेनिंग दी गई और फिर उन लोगों ने रामेश्वरम में ब्लास्ट करवाया. मैं फिर कहता हूं दोस्तों, ये बात उस वक्त इन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं की, अब जाकर आप ये बात कह रही हैं? और क्या एनआईए ने बात कह दी है कि कृष्णागिरी फॉरेस्ट में ये सब हुआ, ये ट्रेनिंग हुई? और अगर हुई भी दोस्तों, अगर वो व्यक्ति तमिलनाडु का भी था, तो क्या इसके लिए आप पूरे राज्य को बदनाम करेंगे सिर्फ इसलिए कि आपकी वहां सत्ता नहीं है? याद कीजिएगा दोस्तों, भूल जाइए तमिलनाडु, केरल और पंजाब, दिल्ली, याद है आपको? जब दिल्ली में भाजपा को सत्ता नहीं मिली थी, तब इनके तिहाड़ रिटर्न समर्थक पत्रकार जो हैं वो खुलेआम दिल्ली की जनता को गाली दे रहे थे कि दिल्ली की जनता को वोट नहीं देना आता, दिल्ली की जनता देशभक्त नहीं है, दिल्ली की जनता जो है उसे राष्ट्र का ख्याल नहीं है. अरे भाई, आप दिल्ली की जनता को रोज गाली दे रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई बाबरपुर में बटन दबाओ, शाहीनबाग में करंट लगेगा, देश के गद्दारों को गोली मारो, प्यारों को. आप भड़काऊ बयान लगातार दे रहे थे दिल्ली की जनता के बारे में, और फिर आप ये सोचते हैं कि आपको दिल्ली की जनता वोट भी दे? ये जो रुदाली है बंद कीजिए. कहीं आपको सत्ता नहीं मिली तो वहां की जनता ने आपको नकार दिया, अब उसके लिए आप उस राज्य की जनता को गाली देना बंद कीजिए, जैसे आप तमिलनाडु को गाली दे रहे हैं, जैसे आपने केरल को गाली दी, पंजाब के बारे में जिस तरह का आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं, या फिर दिल्ली के बारे में जो बयानबाजियां की गई थी, बंद कीजिए ये सब. हकीकत यह है कि जिन जिन राज्यों में इस वक्त भाजपा है, वहां वजूद में बने रहने के लिए आप लोग भड़काऊ बयानबाजियां कर रहे हैं, भड़काऊ हरकतें कर रहे हैं. महाराष्ट्र उसकी ताजा मिसाल है. पी राजा सिंह सड़क पर कैसे घूम रहा है? सुप्रीम कोर्ट के तल्ख आदेश के बाद अब भी टी राजा सिंह जो है वो भड़काऊ बयानबाजी देते रहते हैं महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में इस व्यक्ति का क्या काम है? यानी कि भाजपा को वोट हासिल करने के लिए शोभा और टी राजा सिंह जैसे लोगों की जरूरत है? और देश की जनता को ही नहीं समझ आ रहा है, देश की जनता को ही दिख रहा है हिंदू खतरे में है. नहीं साहब, मैं बार बार कहता रहा हूं, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हिंदू कोई खतरे में नहीं है. खतरे में वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपको बांटकर आपका वोट लेना चाहती हैं, जो भूल जाती हैं कि उनके बयानों से दंगे भड़क सकते हैं, तनाव हो सकता है. और माफ कीजिएगा, मैं एक दंगा मुक्त समाज के पक्ष में हूं. मैं वो समाज नहीं चाहता जहां लगातार दंगे होते रहे, मेरे बच्चे स्कूल जाएं और मुझे लगातार ये डर लगा रहे कि वो स्कूल से घर कैसे आएंगे. आप ऐसे समाज में जीना चाहें आपका स्वागत है, मगर मैं ऐसी सोच का लगातार विरोध करता रहूंगा. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए.